गाइस वेलकम टू शुभम क्लासेस। आज हम चैप्टर 15 की बात करेंगे जिसका नाम है जैव विविधता एवं संरक्षण। ठीक है, जैव विविधता क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे और उसका संरक्षण क्या है, कैसे कर सकते हैं और उसको किस प्रकार से क्षति हुई है और इस जैव विविधता को कैसे हम बचाव कर सकते हैं, इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, पहला है जैव विविधता। सबसे पहले जैव विविधता क्या है? किसी भी पारिस्थितिक तंत्र एवं वातावरण में पारस्परिक निर्भरता तथा अन्योन्य क्रियाएं करते हुए पादपों तथा जंतुओं में सूक्ष्म जीवों की विभिन्न जातियों का स्वभाव, संरचना, आकार एवं आकृति में भिन्न का पाया जाना ही जैव विविधता कहलाता है। मतलब एक ही पारिस्थितिक तंत्र के अंदर प्लांट्स भी पाए जा रहे हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स भी पाए जा रहे हैं और सूक्ष्म जीव भी पाए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे एक ही पारिस्थितिक तंत्र के अंदर बैक्टीरिया भी पाए जा प्रेजेंट है, वायरस भी प्रेजेंट है, बहुत सारे एनिमल्स भी प्रेजेंट है, बर्ड्स भी प्रेजेंट है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरह के डाइवर्सिटी को क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी और जैव विविधता। ठीक, जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रोजन ने किया था 1985 में। सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? रोजन ने। ठीक है, एडवर्ड ओ विल्सन, विल्सन को फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, विल्सन को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वे जैव विविधता का जनक। किसको बोलते हैं जैव विविधता का जनक? विल्सन को। ठीक, नोट, वन्य जीव, वन्य जीव मतलब जो जीव कहाँ रहते हैं, वो वन में रहते हैं, वो अपने प्राकृतिक आवास में बाह्य परिवर्तन के बिना स्वतंत्र रूप से निवास करते हैं। ठीक है, जैव विविधता के निम्नलिखित तीन स्तरों में विभक्त किया है। अब जो बायोडायवर्सिटी है उसको तीन भागों में स्तर पे विभक्त किया गया है, अलग किया गया है। पहला है आनुवंशिक विविधता, दूसरा है जातीय विविधता, तीसरा है समुदाय एवं पारिस्थितिक विविधता। ठीक है, आनुवंशिक विविधता मीन्स जो आनुवंशिक हो, जो आनुवंशिक से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, इस विविधता से तात्पर्य एक ही जाति में पाए जाने वाली विभिन्नता से है। ठीक है, मीन्स एक ही जाति के लोग वहाँ रह रहे हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। ठीक है, लेकिन उसमें भी क्या है? डिफरेंसेस है, उनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में भी क्या है? डिफरेंस, विभिन्नता पाई जा रही है। ठीक, यह विविधता कैसे आ जा रही है? ठीक है, यह विविधता वातावरण परिस्थितियों में अनुकूलन एवं स्वस्थ प्रजनन के लिए उपयोगी होती है, ताकि वो अपने जो उनका इन्वायरमेंट है उसके अनुसार वहाँ पे अडॉप्ट कर सके, रह सके, इसलिए वो विभिन्नता उनके में आ जाती है। ठीक, यह जातिकरण, स्पेशिएशन, जातिकरण मतलब स्पेशियम, न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन, ठीक है, नया जाति का बनना या नई जाति के उद्विकास में सहायता करती है। ठीक, पहला क्या था? आनुवंशिक विविधता। आनुवंशिक विविधता में क्या बोल रहे हैं कि एक ही जाति के अंदर भी विभिन्नता देखने को मिली। ठीक है, और यह स्पेशिएशन जातिकरण में क्या करती है? सपोर्ट करती है। ठीक है, उद्विकास में सहायता करती है। दूसरा है जाति विविधता। किसी जाति की प्रति इकाई क्षेत्र संख्या को जाति प्रचुरता कहते हैं। मतलब किसी एक एरिया में सबसे ज्यादा जाति, वहां पे सबसे अधिक जाति है। ठीक है, एक ही जाति के समुदाय के लोग रह रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? जाति प्रचुरता, मतलब सबसे ज्यादा संख्या है। ठीक, जाति प्रचुरता जितनी अधिक होगी जाति विविधता भी उतनी ही अधिक होगी। ठीक, सपोज ये एक एरिया है। ठीक, ये क्या है? एक एरिया है तो इसमें एक ही जाति के, ठीक, 500 लोग हैं। ठीक, तो ये क्या है? जाति प्रचुरता। ये क्या हो गया इसका? जाति प्रचुरता मतलब प्रचुर मात्रा में एक ही एरिया में, एक ही इकाई क्षेत्र में जाति पाई जाती है। ठीक है, जो जितनी अधिक संख्या में जाति होगी उतना ही यह जाति विविधता को सपोर्ट करेगी। ठीक है, उतना ही जाति विविधता भी अधिक होगी। थर्ड है समुदाय एवं पारिस्थितिकी विविधता। समुदाय मतलब कम्युनिटी। ठीक है, और जैविक समुदाय मतलब बायोटिक कम्युनिटी में विभिन्नता को दर्शाती है। पारिस्थितिक स्तर पर जीवों की विविधता को पारिस्थितिक विविधता कहते हैं। जो पारिस्थितिक स्तर पे होते हैं, ठीक है, उनको क्या बोल रहे हैं? पारिस्थितिक विविधता। जैसे जाति स्तर पे था तो इसको जाति विविधता बोल रहे थे, या आनुवंशिक स्तर पे था तो इसको आनुवंशिक विविधता बोल देंगे। तो ऐसे यहाँ पे पारिस्थितिक स्तर पे जीवों की विविधता को क्या बोलेंगे? पारिस्थितिक विविधता। सामुदायिक विविधता तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? अल्फा विविधता, बीटा विविधता और गामा विविधता। ठीक है, तो जो समुदाय में पारिस्थितिक विविधता होती है उनको तीन भागों में बांटा गया है, अल्फा विविधता, बीटा विविधता और गामा विविधता। अल्फा, बीटा, गामा डाइवर्सिटी। ठीक, अब है जैव विविधता के प्रतिरूप। संपूर्ण पृथ्वी पर जैव विविधता के निम्नलिखित प्रतिरूप पाए जाते हैं। ठीक, पहला है अच्छांसी प्रवणता। अब ये अच्छांसी प्रवणता क्या है?
सामान्यतः जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ट्रॉपिकल एरिया की ओर जाते हैं, जैव विविधता कम हो जाती है। ठीक, इसमें ये दिखा रहा है कि कहाँ पे जैव विविधता अधिक होगी और कहाँ पे जैव विविधता कम हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से उष्णकटिबंधीय रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं, ठीक, वहाँ ट्रॉपिकल एरिया की ओर जाते हैं, वहाँ पे क्या हो जाता है, जैव विविधता क्या हो जाती है, हमारी कम हो जाती है। मतलब वहाँ डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलेगी, वहाँ ज़्यादा लोग देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ऐसा क्या है कि जब हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ट्रॉपिकल एरिया की ओर जाते हैं तो वो वहाँ पे विविधता क्या होती है, कम हो जाती है। इसके निम्न कारण है, उष्णकटिबंधीय समुदाय शीतोष्ण समुदाय की तुलना में अधिक पुराना है, बहुत ज़्यादा ही क्या है, पुराना है। इस कारण उष्णकटिबंधीय प्रजातियों में अधिक विशिष्टताएं एवं अनुकूलन पाए जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ का जो वातावरण होता है उनके लिए वो प्रतिकूल नहीं होता है, और वो क्या है, उष्णकटिबंधीय जो शीतोष्ण समुदाय से भी ज़्यादा पुराना है, इसलिए वो प्रतिकूल परिस्थितियाँ प्रदान नहीं कर पाती हैं। पहला कारण ये है। ठीक है, दूसरा कारण क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में टेम्परेट क्षेत्रों की तुलना में स्थायी वातावरण पाया जाता है। ठीक है, अब जो उष्णकटिबंधीय में जो टेम्परेट क्षेत्र की तुलना में वातावरण जो क्या है, स्टेबल है, कोई चेंजेस ही नहीं हो रहा है, ठीक है, स्थायी होता है, अतः इन क्षेत्रों में स्थानीय जातियाँ अधिक जीवित रहती है। ठीक, तो ज़्यादा वातावरण में चेंजेस नहीं रहेगा तो वहाँ पे जो जातियाँ है वो जीवित रहेंगी ना, कोई सीजन में वेरिएशन नहीं होगा, ठीक है, वो अधिक रह सकती हैं। ठीक है, थर्ड है स्थायी व गर्म तापक्रम एवं अधिक नमी युक्त वातावरण। ठीक है, वहाँ पे स्थायी रहता है, तापमान भी उसका गर्म रहता है और अधिक नमी, ठीक है, थोड़ा सा नमी वाले वातावरण रहते हैं। ठीक, अब दूसरा है तुंगी प्रवणता। अक्षांशीय प्रवणता की भांति मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों की ओर बढ़ने पर जाति विविधता हो जाती है। ठीक है, हम लोग कहाँ पर रहते हैं, मैदान में, और जैसे हम लोग पर्वत क्षेत्रीय के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे हमको विविधता देखने को कम मिलेगी, कम हो जाती है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर जैसे ही हम लोग ऊपर जाते हैं वैसे ही वहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम होने लगता है। ठीक, तो वहाँ का जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा होगा कंपेरिजन टू इधर मैदान का। ठीक, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 1000 मीटर की ऊंचाई पर सामान्यतः तापमान पे 650 से 650 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ वहाँ पे क्या, इस वहाँ पे जैव विविधता क्यों कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं पर्वतीय क्षेत्र में वैसे वैसे टेम्परेचर भी कम होता जाता है। ठीक, थर्ड है जाति क्षेत्र संबंध। एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ठीक है, कौन थे, साइंटिस्ट एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के अनुसार किसी दिए गए क्षेत्र की जाति समुद्र अन्वेषण एक्सप्लोर क्षेत्र के साथ केवल एक ही सीमा तक बढ़ सकती है। ठीक है, मतलब एक ही सीमा तक वो बढ़ सकती है, ऐसा नहीं कि वो जो जाति है वो बढ़ती ही रहे कंटिन्यूअसली, ऐसा नहीं है, एक ही उसका लिमिटेशन होगा, एक ही सीमा तक वो बढ़ सकती है। इसके अनुसार जाति समृद्धि जैसे पक्षी, चमगादड़, मछलियाँ आदि के मध्य संबंध एक आयताकार अति परवलय, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के रूप में परिलक्षित होता है। ठीक है, जो एलेक्जेंडर जॉन होमबोल्ट थे उन्होंने एक इक्वेशन दिया था। ठीक है, एक इक्वेशन के अनुसार वो स्पीशीज का जातीय विविधता समझाए थे और उसका जो ग्राफ था वो कैसा था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, लघु गणित पैमाने के लॉगरिथम स्केल, ठीक है, मैथ्स में होता है लॉग ना, तो उस स्केल पे इन्होंने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया था, इक्वेशन दिया था। लघु गणकीय पैमाने पर यह संबंध एक सीधी रेखा के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, एक सीधी रेखा जिसका समीकरण निम्नवत है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉग एस बराबर लॉग सी प्लस लॉग जेड ए। ठीक है, किसने दिया था ये इक्वेशन, हम्बोल्ट ने, लॉग एस बराबर लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। इसमें एस क्या है, स्पीशीज रिचनेस, एस फॉर स्पीशीज। ठीक है, ए क्या है, एरिया है, ए क्या है, एरिया, जेड क्या है, रिग्रेशन कोफिशियंट रेखीय ढाल, जो अभी ग्राफ में रेखीय ढाल मिलेगा वो जेड है। ठीक है, सी क्या है, इंटरसेप्ट, मैं जब भी ग्राफ वो ड्रॉ करते उसमें एक इंटरसेप्ट निकालते हैं तो वो वही है। ठीक है, तो ग्राफ देख लेते हैं, सबसे पहले ग्राफ में देखते हैं वो किसके किसके बीच में ग्राफ वो ड्रॉ किए हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस होते हैं और ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्षेत्र लिए हैं, ठीक है, और वाई एक्सिस पे कितना वृद्धि हो रहा है जाति का। ठीक, तो हमें दो ग्राफ मिला, एक लॉग लॉग पैमाना जो सीधी रेखा जा रहा है उसका इक्वेशन क्या आ गया, लॉग एस बराबर
लॉग सी प्लस जेड लॉग है, और जो हाइपरबोला ऐसे ग्राफ मिलना है ये वाला, तो वो बराबर, वो क्या है, वो एस बराबर सी ए के पावर जेड। ठीक है, तो एक ही ग्राफ में उन्होंने दो, एक सीधी रेखा दिखाया और एक ढलान। ठीक है, जो सीधी रेखा का है उसका इक्वेशन क्या बनेगा, लॉग एस बराबर लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, और जो ढलान वाला है उसका क्या बनेगा, एस बराबर सी ए का स्क्वायर। ठीक है, अब है जातीय विविधता का पारिस्थितिकी तंत्र में महत्व। ठीक है, अब जो बायोडायवर्सिटी है उसका इकोसिस्टम में पारिस्थितिकी तंत्र में उसका इम्पोर्टेंस क्या है, रोल क्या है। ठीक, जातियों की संख्या पारिस्थितिक तंत्र के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, जो जातियों की संख्या है वो पारिस्थितिक तंत्र के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस। इसका कुछ महत्व तो निम्नलिखित है। ठीक है, तीन इम्पोर्टेंस से देख लेते हैं। पहला क्या है, किसी क्षेत्र में जितनी अधिक संख्या जातियाँ उत्पन्न होगी उस क्षेत्र में उत्पादकता भी उतनी होगी। मतलब एक एरिया है, ठीक है, सपोज ये एरिया है, ठीक है, इसमें जितना ज़्यादा जाति होंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा उत्पादक भी होंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा प्रोडक्शन भी होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तभी नहीं जातियों का ग्रोथ होगा। ठीक, तो ये कह रहे हैं किसी क्षेत्र में जितनी अधिक संख्या में जातियाँ उपस्थित होंगी उस क्षेत्र में उत्पादकता भी उतनी ही अधिक होगी। दूसरा है, उच्च जाति विविधता वाला परितंत्र अधिक स्थायी होता है। ठीक है, जो उच्च जाति की विविधता वाला परितंत्र होता है वो अधिक स्टेबल होता है। ठीक है, और लंबे समय तक इस स्थिरता को बनाए रखने में सक्षम होता है। जो उच्च जाति वाले होते हैं वो इकोसिस्टम को स्टेबल बनाते हैं और बहुत लंबे समय तक पारिस्थितिक तंत्र को स्थायी बनाए रखने में सहायक होते हैं। थर्ड, पारिस्थितिक तंत्र में उच्च जाति विविधता कारण खाद्य श्रृंखला भी उच्च हो जाती है। अगर उच्च जाति विविधता है तो उसका जो खाद्य श्रृंखला, जो फूड चेन है, वो भी उच्च हो जाएगा। ठीक है, सभी जीव एक दूसरे पर निर्भरता होती हैं, और सभी जीव क्या होते हैं, जब हमने देखा था वो खाद्य श्रृंखला चेन ना एक दूसरे पर क्या थे, सब निर्भर थे। ठीक है, एक खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक जीव का कार्य महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, जितने भी खाद्य श्रृंखला में जितने भी एनिमल्स का पार्टिसिपेशन है, जितने भी जीव का वो है रोल है, वो बहुत ही क्या होता है, महत्वपूर्ण। ठीक, अब नेक्स्ट है जैव विविधता की क्षति। ठीक है, हम लोग दिन पे दिन देखने जा रहे हैं कि बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो इंडेंजर्ड होते जा रहे हैं। ठीक है, अब बहुत सारे खत्म होते जा रहे हैं। ठीक, अब बहुत सारे खत्म होने की कगार पे हैं, तो यानी ये क्षति पहुंच रहा है। ठीक, उनको हानि पहुंच रहा है, वो गायब हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं, उनका निम्नलिखित मुख्य कारण है। ठीक है, जैव विविधता की क्षति। ठीक है, पहला है आवासीय क्षति तथा विखंडन। ठीक है, ये जंतुओं एवं पादपों के विलुप्तिकरण का मुख्य कारण है। ठीक है, क्योंकि उनको आवास नहीं मिल पा रहा है, इसलिए उनका क्या हो जा रहा है, विखंडन। विखंडन होने की वजह से वो क्या होते जा रहे हैं, विलुप्त। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के क्षेत्रफल में होने वाले आवासीय क्षति। ठीक है, जो उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल रेन वाला है जो क्षेत्रफल, ठीक है, उसमें भी आवासीय क्षति हुआ। ठीक, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या था, एक समय था जब उस वर्षा वन पृथ्वी के 14% क्षेत्र फैले थे। ठीक है, कितना परसेंट क्षेत्र फैला था, 14%, लेकिन अब आवासीय क्षति होने के बाद वह कितना परसेंट रह गया, 6%। ठीक, 6% से ज्यादा नहीं है, तो आवासीय क्षति हुआ, इसके कारण जो कुछ जानवर थे वो क्या हो गए, विलुप्त हो गए। दूसरा है अति दोहन। मानव हमेशा भोजन एवं आवास के लिए प्रकृति पर निर्भर रहता है। ठीक है, लेकिन अधिक की इच्छा पर रखने पर प्राकृतिक संपदा का अधिक दोहन हो जाता है। जैसे प्लांट का कटिंग शुरू हो गया, ठीक है, अगर प्लांट काटने लगेंगे लोग तो वहाँ के जो एनिमल्स है वो कहाँ रहेंगे, उनका विखंडन होने लगेगा और वो भी क्या हो जाएंगे, विलुप्त होने लगेगा, क्योंकि उनका आवास उनसे छीन जाएगा। ठीक, मानव द्वारा अतिदोहन पिछले 500 वर्षों से अधिक कई जातियां, जैसे स्टीलर समुद्री गाय, पैसेंजर कबूतर विलुप्त हो गया। ये सब किसकी वजह से विलुप्त हो गए, मानव उनका, क्योंकि मानव ने अतिदोहन करने लगा। ठीक है, थर्ड है विदेशी जातियों द्वारा आक्रमण। जब बाहरी जातियां किसी भी एक लक्ष्य से एक क्षेत्र में लाई जाती हैं तब उनमें से कुछ आक्रामक होकर स्थानीय जातियों में कमी या उनकी विलुप्ति का कारण बन जाती है। ठीक है, जैसे विदेशी जातियों द्वारा आक्रमण, मतलब कोई भी विदेशी स्पीशीज फिशिश का हम लाए, हम अपने यहाँ यहाँ के पॉन्ड में, यहाँ के रिवर, यहाँ के लेक में डाल दिया। ठीक है, तो उस विदेशी जाति के द्वारा जो अन्य हमारे जो जाति थे, देसी जाति, उनके में विलुप्त, वो क्या हो जाते हैं, उनकी वजह से विलुप्त हो जाते हैं। ठीक, जैसे उदाहरण है नाइल पर्च। ठीक है, क्या है, नाइल पर्च, नील नदी की मछली, इसको क्या बोलते हैं, नील नदी की मछली को, इसको कहाँ से लाया गया था, पूर्वी अफ्रीका से, विक्टोरिया झील में डाला गया। ठीक, झील में रहने वाले पारिस्थितिक रूप से जो सिचिल्ड फिल्स है उनमें
200 से अधिक जातियां विलुप्त हो गई। ठीक है, तो किसके इंट्रोडक्शन से वो सिसिचिल्ड दो की 200 जातियां अधिक विलुप्त हो गई, नीलपट से। ठीक, अनुदाहरण है पार्थेनियम और आइकोनिया। ठीक है, मींस कोई भी बाहर की जाति ले आकर विदेशी जाति अगर हम अपने समुद्र, झील या नदी में डालते तो उसकी वजह से कोई दूसरा जीव इफेक्ट हो जाता है, उनमें कम उनकी संख्या में कमी होने लगती है। ठीक है, चौथा है सहविलुप्ता। अगर कोई दो जीव एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे, तो एक दूसरे के लिए लाभदायक है, ठीक है, तो एक अगर एक जीव उसमें से खत्म होगा तो ऑटोमेटिक दूसरा भी जीव क्या हो जाएगा, खत्म होने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको दूसरे से लाभ अब नहीं मिलेगा। जब लाभ नहीं मिलेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो यही बोले, जब एक जाति विलुप्त होती है तब उस पर आधारित दूसरे जंतु और पादप जातियां भी विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, जैसे सारे प्लांट हटा दिए जाए तो रैबिट का क्या होगा, ठीक है, वो भी क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे विलुप्त होने लगेंगे। इसी तरह जैसे जब एक पड़ोसी मत्स्य जाति विलुप्त होती है तब उसके पर आश्रित विशिष्ट परजीवियों का भी वह भविष्य होता है। अगर हम डियर की संख्या को घटा दें तो ऑटोमेटिक लायन भी क्या होने लगेंगे, विलुप्त होने लगेंगे। ठीक, जिसको बोलते हैं सह विलुप्ता, साथ साथ। ठीक, सह मतलब साथ साथ। रेड डाटा बुक, ठीक है, रेड डाटा बुक में ये दिखाते हैं ना कितने इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं जो खत्म होने के कगार पे हो गए हैं। ठीक, IUCN, IUCN का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन यूनिनेशनल कोडन ऑफ नेशनल सर्विसेज, ठीक है, IUCN, ठीक, द्वारा जाति इस किताब में विलुप्त, संकटग्रस्त, दुर्लभ, अनाकालित जीव जातियों का सूचीबद्ध वर्णन किया गया है। मतलब रेड डाटा बुक में क्या होता है, जितने भी जाति विलुप्त हो गए हैं और क्यों विलुप्त हो गए, क्या संकटग्रस्त था, और सबका विकरण, सबका एक्सप्लेनेशन इसी बुक में होता है, उसको बोलते हैं रेड डाटा बुक। ठीक है, इस किताब में विभिन्न जीवों के उनकी वर्तमान स्थिति व उनके भविष्य के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, भारत में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी स्टैग, विकट संकटी वन जातियाँ, मतलब ये सब जो जातियाँ क्या संकट में है, खत्म होने के कगार पे हैं। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ शेर, संकटग्रस्त जाति। ठीक है, अभी भी लॉयन को देखो, सेब लॉयन, सेब टाइगर दिखा रहा है ना, तो उसका भी ये है। ठीक, थर्ड, हिमालय क्वेल, मॉरिशस की डोडो चिड़िया, विलुप्त जाति। ठीक, इन सब का सारे का विकरण किसमें, वितरण किसमें दिया गया है, रेड डाटा बुक में। अब संकटग्रस्त जातियां जो संकट के होने के संकटग्रस्त होने के कगार पे हैं, जो खत्म होने के क्या है, कगार पे हैं, इन श्रेणियों में उन जातियों को रखा गया है जिनकी संख्या बहुत तेजी से घट रही है और भविष्य में इनके विलुप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं संकटग्रस्त जातियां, मतलब जो खत्म होने के कगार पे है, अगर हम इनको सेव करके नहीं रखेंगे तो आगे वाले भविष्य में, आने वाले भविष्य में वो ऑटोमेटिक विलुप्त हो जाएंगे। ठीक, अब है संरक्षण की युक्तियां, अब कैसे इनका हम संरक्षण कर सकते हैं, इनको कैसे सेव करके रह सकते हैं। ठीक, जैव विविधता का संरक्षण का तात्पर्य जैव विविधता की वैज्ञानिक व्यवस्था एवं उन्नत करने से है। ठीक है, जैव विविधता का संरक्षण का तात्पर्य जैव विविधता की वैज्ञानिक व्यवस्था एवं उन्नत करने से है, उन्नति करने से। ठीक है, जैव विविधता संरक्षण दो आधारभूत योजनाएं हैं। ठीक है, जो जैव विविधता के संरक्षण है उनकी दो आधारभूत योजनाएं हैं, पहला क्या है, स्वस्थाने इनसीटू, और दूसरा क्या है, बायस्थाने एक्सीटू। इनसीटू मतलब जो अंदर की तरफ रहते हैं, मतलब जो अंदर हमारे अंदर ही काम करते हैं, जो नेशनल पार्क के अंदर, मतलब जो अंदर की तरफ होता है। ठीक है, बाह्य तत्व से उनका कोई लेना देना नहीं है, उनका जो सिटूटाइजेशन हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अंदर से ही हो रहा है, बाह्य लोगों से उनका मतलब नहीं है। और एक्जिट्यू मतलब जो बाह्य स्थान है, जो बाहर से है। ठीक, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम सन 1972 में पारित किया गया, तो वन्य जीव संरक्षण कब पारित किया गया था, 1972 में। ठीक, अब जो संरक्षण की युक्तियां वो कैसे कर सकते हैं, पहला है स्वस्थानीय संरक्षण, पहले जो खुद का जो जहाँ का स्थान है उसकी संरक्षण कर लें। संरक्षण जिसमें जैव विविधता का प्राकृतिक आवास में अथवा तथा मानव निर्मित पर्यावरण तंत्र में ही संरक्षण किया जाता है उसे स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। मतलब जैसे जो जैव विविधता का प्राकृतिक आवास है, जो प्राकृतिक ने दिया हुआ है अथवा मानव निर्मित, ठीक है, उन दोनों का जो संरक्षण कर ले उसको क्या बोलते हैं, स्वस्थानीय संरक्षण। ठीक, सेकंड है कन्वेंशन एवं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी,
इसको और क्या बोलते हैं, सीबीटी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, सीबीटी। सीबीटी के अनुसार स्वस्थानीय संरक्षण के द्वारा ऐसे क्षेत्र स्थापित किए जाने चाहिए जिसमें उपस्थित जैव संपदा को सुरक्षित रखने का विशेष प्रावधान हो। यहाँ तो नेचुरली जितना हो सके मानव से और नेचर से उतना करना है, ठीक, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या एफर्ट हम लोग डाल सकते हैं जिसको हम लोग उसको विशेष प्रावधान प्रोवाइड कर सके ताकि जो प्लांट और एनिमल्स है वो संरक्षण, उनका संरक्षण अच्छे से हो सके, ठीक। इसके तहत बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य आदि बनने चाहिए, ठीक है, इतने चीज़ें बनने चाहिए ताकि उनको स्पेशल प्रावधान मिल सके, विशेष प्रावधान मिल सके। इसी को बोलते हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी और सीबीडी, ठीक है। नेक्स्ट है तप्त स्थल, हॉटस्पॉट्स। हॉटस्पॉट का विचार सर्वप्रथम नॉर्मन मेयर ने किया था, 1988 में दिया था, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हॉटस्पॉट, ठीक है, का विचार किसने किया था, नॉर्मन मेयर ने, कब, 1988। वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ जैव विविधता की अधिकता हो, ठीक है, वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ जैव विविधता की अधिकता हो, वन्य जीव या वनस्पति, तथा इसके प्राकृतिक आवास को खतरा हो अर्थात प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन हो रहा हो, जैव संवेदित क्षेत्र या तत्स्थल कहलाते हैं, ठीक। हॉटस्पॉट मीन्स जहाँ पे जै स्पीशीज रिचनेस हो, जहाँ पे जैव विविधता अधिक हो लेकिन उनको क्या हो, खतरा हो, ठीक, क्यों, क्योंकि उनका प्राकृतिक संसाधन है, उनका अति दोहन होने लग रहा है, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, हॉटस्पॉट तत् स्थल। विशेष के 34 तत्स्थल में 3 भारत में पाए जाने वाले हैं, ठीक है, तो सब पूछता है कि कितने तप्त स्थल पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, 34, कितने, 34, ठीक है, 34 हॉटस्पॉट पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, कितने तप्त स्थल पाए जाते हैं, 34, ठीक, जिसमें इंडिया में 3 है, क्या क्या, ये पश्चिमी घाट व श्रीलंका, पूर्वी हिमालय, इंडो वर्मा में स्थित है, ठीक है, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इंडो वर्मा, इंडिया में 3 होते हैं, ठीक। ये क्षेत्र उच्च स्थानिकता एंडेनिज्म की उच्च कोटि को प्रदर्शित कर सकते करते हैं, ठीक है, किसको प्रदर्शित करते हैं, जो उच्च स्थानिकता, जो उच्च स्थान पर रहते हैं और उसके उच्च कोटि की अच्छी क्वालिटीज को, ठीक। इन क्षेत्रों में बहुत ही उच्च कोटि की जैव विविधता पाई जाती है, वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है बहुत अच्छे क्वालिटी की पाई जाती है, ठीक। इन सभी तप्त स्थलों की जैव विविधता लगभग 2% है, लेकिन इनका जो विविधता कितना है, केवल 2%, ठीक। तो कितने तप्त स्थल पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, 34, इंडिया में कितने हैं, 3, इंडिया में कितने हैं, 3, कौन कौन से, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा, ठीक, लेकिन कितना परसेंटेज जैव विविधता हॉटस्पॉट का शो करता है, केवल 2%, कितना तत्व स्थल जैव विविधता का शो करता है, केवल लगभग 2%, ठीक। अब है राष्ट्रीय उद्यान, वह क्षेत्र जो वन्य जीवों के लिए पूर्ण रूप से संरक्षित होता है, ठीक, वह जो जो वन्य जीव को पूर्ण से संरक्षित होता है, पूर्ण तरीके से सेफ होता है, ठीक है, तथा शिकार खेलना, पशु चराना, फसल बोना निषेध है, ठीक, उसमें ना आप शिकार खेल सकते हैं, मतलब कोई बाहर का इंटरफेयर नहीं कर सकता है, वो केवल एनिमल्स के लिए ही राष्ट्रीय उद्यान होता है, ना ही आप फसल बो सकते हैं, ठीक, उसको नेशनल पार्क कहते हैं। इन क्षेत्रों में जंतुओं या प्राणी जात फौना, ठीक है, तथा पादपों या वनस्पति जात फ्लोरा दोनों का संरक्षण किया जाता है। फौना एंड फ्लोरा होता है ना, तो फ्लोरा प्लांट के लिए होता है, फौना एनिमल्स के लिए होता है, चाहे उसमें प्लांट हो जितने भी, और जितने उस नेशनल पार्क में जितने भी प्लांट्स और जितने भी एनिमल्स हैं उनका संरक्षण करते हैं, ठीक है, उसमें कोई बाहरी तत्व इंटरफेयर नहीं कर सकता, ठीक। तो जिम कॉम्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉम्बेट नेशनल पार्क भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा, जिम कॉम्बेट नेशनल पार्क कहाँ का है, भारत का है, ठीक, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1936 में, अब यह उत्तराखंड में स्थित है, कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड है। थोड़ा जिम कॉम्बेट नेशनल पार्क कैसा नेशनल पार्क है, भारत का प्रथम नेशनल पार्क है, ठीक, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1936 में, अब यह भारत, अब उत्तराखंड में स्थित है, कहाँ स्थित है, ये उत्तराखंड में, ठीक। येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, ये वर्ल्ड का फर्स्ट नेशनल पार्क है, कौन, येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान। इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है, जिम कॉम्बेट, कब हुआ था उसकी स्थापना, 1936 में, कहाँ प्रेजेंट है, उत्तराखंड। येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान क्या है, वर्ल्ड का फर्स्ट नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1872 में, कहाँ पे, यूएसए में, ठीक।
अन्य उदाहरण कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, ठीक है, बहुत सारे और सब है ना उद्यान। तो कांजीरंगा कहाँ पे है? असम में, और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। ठीक, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? सारस। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी का क्या है? सारस। ठीक, उत्तर प्रदेश का पूछ रहा है, इंडिया का नहीं पूछ रहा है कि आप लोग कुछ और मोर बताओगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पूछ रहा है तो क्या है? सारस। भारत के राष्ट्रीय जंतु का नाम टाइगर है, सबको पता है। ठीक है, इसके संरक्षण हेतु टाइगर प्रोजेक्ट वर्ष 1972 में बनाया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम टाइगर को क्या करें? सेव कर सके। ठीक, अभयारण्य वे अधिकृत क्षेत्र हैं जहां पादप एवं जंतुओं की स्थानीय जातियों का अभिगमन करके जातियों को अनुकूल परिस्थितियां प्रदान की जाती हैं। ठीक है, अभयारण्य क्या है? वे सामूहिक आरक्षित क्षेत्र है, आरक्षण प्रोवाइड किया जाता है जहां पादप और जंतुओं को स्थानीय जातियों का अभिगमन करके जातियों को अनुकूल परिस्थितियां प्रदान की जाती है। ठीक, भारत में 18 जैवमंडल संरक्षित है क्षेत्र। ठीक है, कितने जैवमंडल? कितने? 22 पर 18। 104 राष्ट्रीय उद्यान, 520 वन्य जीव अभयारण्य, 40 टाइगर रिजर्व, 37 वेटलैंड, 15 मैंग्रोव तथा 4 प्रवाल भित्ति संरक्षित क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो कितने कितने क्या क्या है? 18 जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र, 104 राष्ट्रीय उद्यान, 520 वन्य जीव अभयारण्य, 40 टाइगर रिजर्व, 37 वेटलैंड, 15 मैंग्रोव तथा 4 प्रवाल भित्ति संरक्षित क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो एक शॉर्ट रिवीजन टाइप का ये एक नोट्स है, इसके पहले आपको ये एनसीईआरटी को पूरा अच्छे से कवर करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है बाह्य स्थानीय संरक्षण। ठीक, इस प्रकार संरक्षण में जीवों को उसके प्राकृतिक आवास से बाहर मानव निर्मित के आवास में रखा जाता है। ठीक है, मतलब जो वहाँ नेचुरल में जहाँ रह रहे थे उनको उठाकर उसको मानव निर्मित, जो मानव ने बनाया है आवास, उनके आवास में रखा जाता है। इसे इसको बोलते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण। ठीक है, इसमें जर्म प्लाज्म, शुक्राणु, बीजाणु, परागण, उत्तक संवर्धन हेतु जिस देश की विविधता है उसी देश में शोध एवं संरक्षण हेतु धन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, इसके अंतर्गत जंतु विज्ञान उद्यान, वनस्पति उद्यान एवं वन्य जीव सफारी द्वारा पादप एवं जीवों का संरक्षण किया जा रहा है। किसके हेल्प से इनका जीव विविधता का संरक्षण किया जा रहा है? जंतु विज्ञान, वनस्पति उद्यान एवं वन्य जीव सफारी द्वारा पादप एवं जंतुओं का संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, आज कई जंतु जंगलों में खत्म हो गए हैं, किंतु वह जंतु उद्यानों में सुरक्षित एवं संरक्षित है। ठीक, फिर उसके नेक्स्ट पॉइंट है शीत परीक्षण। इसमें दुर्लभ तथा संकटग्रस्त जीवों के जर्म प्लाज्म का बहुत कम ताप। ठीक है, शीत परीक्षण क्या होता है? इसमें दुर्लभ तथा संकटग्रस्त जीवों के जर्म प्लाब्स का बहुत कम ताप, -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर नाइट्रोजन के साथ संग्रह स्टोरेज किया जाता है। ठीक है, जो भी दुर्लभ तथा संकटग्रस्त जीव है, जो भी खत्म होने के कगार है, उनके जीव प्लाज्म को सेफ करके, सुरक्षित करके, स्टोर करके रखा गया है। ठीक है, किस ताप पे? -196 डिग्री नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन को बोलते हैं। ठीक, इस विधि में जैविक क्रियाएं, विभाजन तथा आनुवंशिक प्रभावित नहीं होती है। क्या क्या प्रभावित नहीं होती? उनकी जैविक क्रिया प्रभावित नहीं होती है, उसमें सेल डिवीजन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उनके आनुवंशिक लक्षण में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यह विधि शीत परीक्षण कहलाती है। इस विधि को क्या बोलते हैं? शीत परीक्षण। ठीक, पादपों का उत्तक संवर्धन द्वारा वर्धन किया जाता है। पादपों को क्या है? उत्तक संवर्धन द्वारा वर्धन किया जाता है। आर्थिक महत्व के बीजों का बीज बैंक में लंबे समय तक रखना भी संभव है। ठीक, फाइनेंशियल जो आर्थिक महत्व है, किसी बीज को हम संरक्षण करके लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक, जैव विविधता के संरक्षण में अनेक देश प्रयासरत है। बहुत सारे देश प्रयास कर रहे हैं कि वो अपने अपने बायोडायवर्सिटी को क्या कर सके? सेव करके रख सके। ठीक, क्योंकि जैव विविधता विश्व प्रकृति की धरोहर है, एक नेचर का एक क्या है? धरोहर है। ठीक, जिसकी कोई राजनैतिक सीमा नहीं है, कोई भी पॉलिटिक सीमा नहीं है, वह इसकी सुरक्षा सभी देशों की नैतिक जिम्मेदारी होती है। ठीक, इसकी सारी सुरक्षा सभी देशों की ही क्या है? जिम्मेदारी है। ठीक है,
नोट, दुर्लभ संकटग्रस्त वंचित कुड़ों युक्त वन्य पादपों एवं प्राणियों के जीन को जीन सुरक्षित स्थानों में सुरक्षित कहते हैं, उन्हें जीन बैंक कहते हैं। ठीक है, जो ऐसे दुर्लभ संकटग्रस्त, जैसे अभी हम उनका जर्म प्लास्ट स्टोर करके रख रहे थे और बहुत सारे प्लांट का सीड स्टोर करके रख रहे थे, वैसे ही उनका जीन क्या करेंगे, उस जीन उस एनिमल और प्लांट से उनका जीन निकाल के उसको स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक, उसको जीन बैंक कहते हैं। जीन बैंक है इसलिए उसमें क्या होगा, इकट्ठा कलेक्शन होगा जीन का। ठीक है, इस उद्देश्य की पूर्ति होती है 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में जैव विविधता का एक ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ। कब हुआ था, 1992 में, जो पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसी संरक्षण करने के लिए एक ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ जैव विविधता का, जिसको जो पृथ्वी सम्मेलन के नाम से क्या होता है, जाना जाता है। कब हुआ था, 1992 में, कहाँ, ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो में। ठीक, इस क्रम में सन 2002 में 190 देशों ने दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर विश्व सम्मेलन वर्ल्ड समिट के दौरान शपथ ली। पहले तो अर्थ समिट हुआ, फिर 2002 में कौन सा समिट हुआ, वर्ल्ड समिट हुआ। ठीक है, इसमें सभी देशों के 2010 तक जैव विविधता को हो रही तीव्र क्षति को स्थानीय, प्रादेशिक, वैश्विक स्तर पर कम करने का प्रयास करने के लिए शपथ ली। ठीक है, तो सारे 190 देशों ने जिसने पार्टिसिपेट किया ना, उन्होंने शपथ ली ताकि वो अपने जैव संरक्षण को कम करने की कोशिश करें। ठीक, विश्व भर में जैव विविधता के संरक्षण हेतु जागरूकता उत्पन्न करने के लिए 29 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो जो विश्व भर में जैव विविधता का संरक्षण है उनको उनमें जागरूक उत्पन्न करने के लिए 29 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस रूप में मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष 1 से 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया गया। कितने अक्टूबर तक, 1 से 7 अक्टूबर तक क्या मनाया गया, वन्य जीव सप्ताह। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं, 1992 में अर्थ समिट हुआ जिसमें बात किया गया कि हम अपने जल संरक्षण को कैसे बचा सकते हैं, फिर जो 2002 में 190 देशों ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, उसको वर्ल्ड समिट बोलते हैं, उन्होंने ये कोशिश की कि हम हर तरीके से स्थानीय, प्रादेशिक, वैश्विक स्तर से इसको कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर 29 दिसंबर में को इसको जागरूकता को उत्पन्न लाने के जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, इसके अतिरिक्त फिर क्या है, 1 से 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह भी मनाया जाता है। कब, 1 से 7 अक्टूबर। विश्व पर्यावरण दिवस सबको पता है कब मनाया जाता है, 5 जून। इसका उद्देश्य पर्यावरण को संरक्षित रखना, मानव जाति के योगदान में सम्मिलित करना है। इसका उद्देश्य क्या है, पर्यावरण को संरक्षित रखना तथा मानव जाति के योगदान को सम्मिलित करना है, जिससे सभी संसाधन सुलभ रूप से उपलब्ध हो सके। ठीक है, जिससे सभी संसाधन सुलभ रूप से क्या हो सके, उपलब्ध हो सके। ठीक है, इन अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे WHO, मैप, MAB, BRP, वर्ल्ड बैंक आदि भी जैव विविधता संरक्षण हेतु प्रयासरत है। ठीक है, तो होप सो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने ओपिनियन भी ही देते रहें। और टाइम अभी भी बहुत है, 2 महीने, आप 2 महीने में अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, हेलो वेलकम। अगर अब तक यूट्यूब के सबसे नंबर वन चैनल शुभम क्लासेस का आपने क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर ज्वाइन करें। इसमें आपको सभी विषयों के नोट्स, वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट ईयर पेपर और बचे हुए महीने में आप किस तरीके से सभी विषयों की तैयारी करें सब कुछ बताया जाएगा। तो ज्वाइन करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच।